हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 4 लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, अरुण बॉट अ कंप्यूटर विथ ए 50% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस। ये लेबर प्राइस कुछ नहीं है, ये लेबल प्राइस, ये क्या है, मार्क प्राइस को ही हम लोग लेबल प्राइस भी कहते हैं। ये मार्क प्राइस पे मींस लेबल प्राइस पे उसको कितना मिला है, 15% का डिस्काउंट मिला है, उतने पे वो खरीदा है। तो देखिए, ऊपर में यहाँ लिख लेते हैं सीपी, यहाँ लिख लेते हैं एसपी, और यहाँ लिख लेते हैं मार्क प्राइस एमपी। हिंदी में क्रय मूल, विक्रय मूल, और इसे क्या बोलते हैं, अंकित मूल बोलते हैं। तब देखिए, पहला कंडीशन के अनुसार हम सजा लेते हैं। पहले इसको क्या हुआ, 15% डिस्काउंट मिला है, तो क्या किया है, ये खरीदा है, परचेज किया है। तो देखिए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो क्या होता है, 3/20। मींस ये 20 क्या है, अपॉन में ये मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस के नीचे 20 लिख देते हैं, और इससे क्या होगा, 3 का क्या होगा, डिस्काउंट मिला। तो 20 में आप 3 माइनस कीजिएगा, तो ये क्या किया है, ये खरीदा है, मीन्स ये इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 17 सीपी के नीचे हम लिख देंगे, ये एसपी के नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है कि वो खरीदा है, सामान को बेचा नहीं है, खरीदा है, तब यहाँ हम 17 सीपी के नीचे लिखें। तो चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये 17 हो गया। ही सोल्ड द कंप्यूटर, वो क्या किया, फिर अब क्या, बेचा वो कंप्यूटर कितना, 2,880 रुपये में, भी थे प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑन, देखिए ये बात को ध्यान दीजिए, लेबल प्राइस, मार्क प्राइस तो उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो देखिए, अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। ये 5 क्या हो गया, ये आपका मार्क प्राइस हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, मार्क प्राइस पे प्रॉफिट कमाया है। ये मार्क प्राइस 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और क्या होगा, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो 5 में आप 1 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेचा है, कितने परसेंट, 20% प्रॉफिट ऑन लेबल प्राइस। तो ये कितने बेचा, 5 में आप 1 जोड़िएगा, तो ये 6 में बेचा, सेलिंग प्राइस के नीचे 6 लिख दिए। तो देखिए, ऐसे जनरली जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बट यहाँ क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दिया है कि हमको मार्क प्राइस पे हमको प्रॉफिट यहाँ दिया है, तो हम इसके अनुसार चलेंगे। अब देखिए, यहाँ से 2 इक्वेशन निकल के आएगा, दोनों इक्वेशन को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाने का, 1+2 दोनों के 1 बनाएंगे, जिससे हमको 1 CP निकल के आ जाएगा, 1 SP निकलेगा, 1 MP निकलेगा। तो देखिए, अब दोनों को मर्ज करना है, तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए दोनों में आपको क्या है, मार्क प्राइस है गिवन है, दोनों में क्या है, मार्क प्राइस गिवन है। तो जब दोनों में आपका मार्क प्राइस गिवन है, तो आप दोनों को में मार्क प्राइस को इक्वल कीजिए। तो देखिए, यहाँ आप पूरे इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में पूरे में आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का, और ये पूरे में यहाँ 4 से कर देंगे। तो देखिए, ये क्या होगा कि आपका 5 को 20, और यहाँ भी 20 था, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया, मीन्स ये मार्क प्राइस दोनों में 1 हो गया। तो मार्क प्राइस के नीचे 20 लिख देंगे, और सीपी क्या था, 17 × 1 17 हो गया, और एसपी क्या हो गया, 4 × 6। देखिए, इस इक्वेशन में आप 6 से 4 और 6 में मल्टीप्लाई किया, तो 24 हो गया। तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया, दोनों को मिला लिए, तो 17 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, 24 सेलिंग प्राइस हो गया, 20 क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। तो यहाँ आपको क्या बताना है, At what price did he buy, मतलब वो कितने में ख़रीदा है, मतलब यहाँ का आपको सीपी बताना है, लेकिन सीपी बताना है और एसपी का वैल्यू गिवन है, एसपी क्या गिवन है, 24, जो हमारा एसपी है वो यहाँ कितने के बराबर है, 2880 के बराबर है। तो यहाँ से आप 17 में वैल्यू इसका निकाल दीजिएगा, यहाँ से 17 में आप वैल्यू निकालिएगा, तो क्या होगा, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 2040, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ आ गया इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एन एटम वॉज सोल्ड फॉर ₹27.50, 27.5 रुपये में एक एटम को बेचा जाता है विथ ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% प्रॉफिट के हिसाब के साथ किसी आइटम को हम 27.5 रुपये में बेचते हैं। इफ़ इट वॉज सोल्ड, अगर अगर उसको
₹25.75 में बेचा जाता है, तो यहाँ आपको बताना है कि उस पर क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ आपको सबसे पहले यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ हमको कॉस्ट प्राइस कहीं गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस तो यहाँ गिवन है, तो सेलिंग प्राइस पर हम प्रॉफिट या लॉस नहीं कंसिडर ये फाइंड आउट करते हैं, हम किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। तो देखिए ऊपर में आपके यहाँ क्या लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सीपी, यहाँ लिख लीजिए एसपी, और मार्क प्राइस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी यहाँ डिस्काउंट का है नहीं जिक्र, तो हम एमपी नहीं लिखेंगे। पहले कंडीशन क्या होगा, उसको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1/10 मीन्स ये 10 पे उसको कितना, 1 का प्रॉफिट हो गया, तो 10 क्या हो गया सीपी, 1 का प्रॉफिट हो गया तो 11 एसपी हो गया। फिर क्या है कि इफ इट वाज सोल्ड, 25.75, तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस है। तो देखिए ये 11 यहाँ पर क्या है, ये 11 आपका जो एसपी निकला है, 11 किसके बराबर है, 11 है किसके बराबर है, 27.50। तो यहाँ से आप जो 10 से सीपी है तो 10 में आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ 10 में आप वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ आप इसे 10 में आप वैल्यू निकालिएगा तो 11 × 22 और 50 ये कितना हो जाएगा, 2.5 × 10 मीन्स यहाँ से 10 में कितना निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। मीन्स तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस ₹25 है फर्स्ट का, और सेलिंग प्राइस कितना है, 27.50 है। तो ये आप पहले वाला ये ओल्ड कैंसिल कर दिए, ये न्यू, ये नया ये हम डिराइव कर चुके हैं। तब क्या करना है, देखिए अब यहाँ हमको कॉस्ट प्राइस निकल गया है, और अब बेच कितना रहा है, 25.75 मतलब ₹25.75 में बेच रहा है, तो अभी भी इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ये पहले का सेलिंग प्राइस था, अब वो क्या बोल रहा है कि नहीं हमको इतने में बेचना है, 25.75 में बेचना है, इसके में नहीं बेच कर अब हम इसमें बेचेंगे। तो देखिए यहाँ से भी तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 0.75 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 25 पे। तो यहाँ पे आपको 100 में कितना प्रॉफिट होगा ये निकालना है, तो ये 0 से नीचे 0, ये 0 कैंसिल, 25 से 3 मीन्स यहाँ क्या हो गया, इसको 3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹250 है, वो ₹250 बेचा है, तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट 25% के साथ वो ₹250 बेचा। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सीपी और एसपी का क्या है, रेशियो फाइंड करना है, सीपी अपॉन एसपी का है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको तो एसपी आपको ऑलरेडी नोन है, तो इसको कुछ फाइंड नहीं करना है, तो एसपी लिख लें, आपको यहाँ सीपी बस चाहिए, और यहाँ आप रेशियो आप इसे डिजाइन कर लेंगे। तो देखिए इसका मैं दो मेथड बता रहा हूँ, एक मेथड फर्स्ट है जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए मेथड फर्स्ट में क्या होता है, ऊपर में आप सीपी और यहाँ एसपी लिख लीजिए, तो इसको कितना का प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, 25% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट होगा, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, 1/4 मीन्स से 4 क्या हो गया, 4 ये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया, और 1 का प्रॉफिट के साथ वो 5 में बेचा। तो यहाँ से क्या, इसका सीपी हो गया 4 और एसपी हो गया 5, और यही आपको फाइंड आउट करना है दोनों का रेशियो। तो ये रेशियो कितना हो गया, 4:5, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए इसका मेथड टू देखते हैं, मेथड टू क्या है। देखिए अगर कोई आर्टिकल अगर ₹250 बेचा है, अगर ₹250 आपने बेचा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट के साथ बेच रहा होगा, और प्रॉफिट कितना, 25% हो रहा है। तो अगर हम सीपी को अगर 100% मान लेते हैं, अगर 100% माने हैं, तो इस पर इसको 25% ऐड करके वो ₹250 बेच रहा है, तो इसमें आप 100 में 25 ऐड कीजिए, तो 125% बराबर हम ये कह सकते हैं कि ₹250 है, क्योंकि इसमें क्या हम ऐड कर दें, सीपी और प्रॉफिट दोनों ऐड हो गया, तो हमने इतने में इसको बेचा, ₹250 बेचा, और आपका सीपी क्या 100% माने, तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 200 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये तो सीपी आ गया, और एसपी यहाँ आप पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, तो आप यहाँ सीपी की जगह 200 पुट कीजिए और इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो फिर से अगेन आपका आंसर आ जाएगा 4:5, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए रहा सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
ए मटेरियल इज परचेज रुपीज 600, 600 रुपये में किसी मटेरियल को परचेज करते हैं। इफ 1/4 ऑफ द मटेरियल सोल्ड, इसका 1/4 मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, 20% लॉस पे बेचते हैं, और रिमेनिंग को 3/4 जो बचा उसको गेन 10% पे बेचते हैं। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंटेज या लॉस। तो देखिए ये जो सीपी है 600 रुपया है, इसका 1/4 यहाँ कर लेते हैं और रिमेनिंग 1/4 को अगर हटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 600 का निकालेंगे तो ये क्या होगा, सीपी कितना निकल के आ जाएगा आपका 150। इसको हम लोग क्या किए हैं, 20% नुकसान पे बेचे हैं। तब आप 150 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब 15 × 2 कर दीजिएगा तो 150 तो कितना हो जाएगा, 30, और 10 × 2 = 20, मतलब 20% कितना हो जाएगा, 150 का 20% 30 होगा। तो आप 150 में 30 माइनस कीजिएगा तो इसको हम कितने में बेचें, 120 में बेचें। देखिए अगर 150 है, इसका 10% क्या होता है, आप दशमलव का 10 हटा देते, 10% 15% के बराबर हो गया। 10% कितने के बराबर हो गया, 15 के बराबर हो गया। ये कितना हो गया, 10% हो गया। तो आपको 20% निकालना है तो 15 × 2 = 30, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 20% कितना हो गया, 30 के बराबर हो गया। तो 30 यहाँ माइनस कर दिए तो यहाँ क्या हो गया, 120 इसका एसपी हो गया। और दूसरे पे क्या हो गया, उसको गेन हो रहा है 10% का, तो यहाँ इसका सीपी कितना हो गया। देखिए 600 में आप 150 ले लिए तो कितना हो गया, 450। इसको हम 10% प्रॉफिट पे बेचें तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप 450 का 10% निकालेंगे तो 45 अगर 450 में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 495। ये कितना हो जाएगा, 495। अब दोनों का आप ऐड कर दीजिए, यहाँ भी ऐड कीजिए, यहाँ भी ऐड कीजिए, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सीपी तो 600 है, एसपी कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 5 है और ये कितना हो जाएगा, 61, मतलब 615 है और सीपी आपका 600 है। तो आप कितने में बेचें, 15 का प्रॉफिट कितने पे होगा, 600 पर हो गया। तो यहाँ पर आप 100 पे ही निकाल सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 n 1/2%। यहाँ से इसका क्या निकल के आ गया, आंसर यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी हो गया आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ए शॉपकीपर वाई पेंसिल एट 9 for ₹16। तो देखिए सीपी ऑफ 9 पेंसिल क्या है, सीपी ऑफ 16 रुपये, सीपी ऑफ 9 पेंसिल कितना है, 16 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं, सेल देम 11 at ₹11 for ₹12। एसपी ऑफ 11 पेंसिल क्या आपका हो गया है, कितना है, 22 रुपये। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिए आपने या कॉस्ट प्राइस के लिए आपको 9 पेन ले रहे हैं बट सेलिंग के लिए 11 ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। अब दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं कि ऊपर पूरे में आप 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर से, ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन पूरे नीचे में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपको एक नया इक्वेशन बन के आ जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 11 × 99, 99 पेंसिल का जो सीपी आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ये सीपी क्या निकल के आ जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। और इसी तरह एसपी ऑफ 99 पेंसिल का क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 22 क्या होता है आपका, 198। तब देखिए अब देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 22 का हो रहा है, कितने पे, 176 पे हो रहा है। तो आप इसे 100 पे निकाल लें तो 100 पे ये कितना होगा, 22 से आप ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, ये 8 टाइम्स में चल जाएगा। और 1/8 का आपको पता होगा जो परसेंटेज कितना होता है, 12 and 1/2% होता है 1/8 का। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ ए पेन
इनेबल ए ट्रेडर टू परचेज 9 मोर फॉर ₹550। मतलब 10% जो रिडक्शन हुआ प्राइस में, आप इस चीज़ को समझिए, प्राइस में 10% का रिडक्शन हुआ, तो एक ट्रेडर क्या होगा कि 9 पेन और ख़रीदा 540 में ही। मीन्स तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 540 में ही उसने 9 पेन और ख़रीदा तो कितने के बराबर हो गया, 10% रिडक्शन में हुआ है। तो आप 540 का अगर 10% निकालते हैं तो ये कितना, 540 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 54। तो हम ये कह सकते हैं कि 54 जो रुपए है उसमें क्या होगा, ये 9 पेंसिल ख़रीदा। मीन्स ये 9 जो पेन जो था वो कितने में ख़रीदा है, 54 में ख़रीदा है। तो यहाँ से एक पेन का कितना वैल्यू हो जाएगा, 6 रुपये, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आप इस कुछ चीज़ को फिर से समझिए, अगर 540 रुपया है टोटल, पहले आप 540 रुपये थोड़ा सा समझिए कि रेट हाई था तो आप कम सामान खरीदते थे, अब 540 में ही रेट गिरा तो आपने क्या हो गया, 9 ज़्यादा खरीदे। कितना रेट गिरा, 10% गिरा, 10% गिरा तो आपने 9 ज़्यादा ख़रीदा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 540 का जो 10% निकालेंगे 54 आएगा, तो आप 54 में कितना खरीदें, 9 खरीदें, 9 पेन आपने 54 में ख़रीदा, तो यहाँ से एक पेन का को यहाँ क्या निकालना था, रिड्यूस प्राइस ऑफ द अ पेन, रिड्यूस प्राइस ऑफ एक पेन का रिड्यूस प्राइस यहाँ से आपको निकालना था। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 6 रुपया, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया, ये ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सुनील परचेज 2 बुक्स एट ₹300 each। मीन्स आप इसका मतलब समझिए कि 2 बुक जो 300 रुपये ख़रीदा है, मतलब दोनों सीपी ऑफ 1 बुक, सीपी ऑफ 2, दोनों का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यहाँ सेम हो गया। एक को वो क्या बेचता है, गेन पे बेचता है 10%, दूसरे को लॉस पे बेचता है। तो यहाँ आपको बताना है कि टोटल लॉस परसेंट इन द टोटल इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ या गेन हुआ है। तो देखिए यहाँ आपको क्या है, डेटा को कंपेयर करना है, तो आप 300 का कोई यूज यहाँ होगा ही नहीं। आप देखिए कैसे हम बनाते हैं जल्दी से, देखिए सीपी यहाँ लिख लीजिए, ऊपर एसपी लिख लीजिए। पहले कंडीशन में क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 था, उसमें 1 ऐड कर दिए तो आपने 11 में बेचा। दूसरे में 10% का 9 नुकसान हो गया, तो 10 था उसमें आप 1 का कमी हो गया, तो 9 में बेचें। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, तो देखिए यहाँ दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है, तो आपको यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दोनों ऐड कीजिए, 20 हो गया, और यहाँ ऐड कीजिए 20 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 में ख़रीदें, 20 में बेचें। मीन्स यहाँ क्या हो गया, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब टोटल आपका टोटल सी पी इज इक्वल टू टोटल एस पी हो जाए, तो ये आपका क्या कंडीशन बनता है, नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। मीन्स आपका ना ही इसमें प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ये यहाँ आपका ये कंडीशन बना। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ भी होगा, ये मैंने पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा आपका जो एक बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक का मैंने अप्रोच के साथ साथ प्रॉब्लम भी यहाँ डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा, और मेरे द्वारा ये 1 to 32, ये अगर 32 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा।